सुधीर जी, आप बुद्ध की बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि बुद्ध क्या है वो बताएं। देखिए, बुद्ध क्या है ये बताना महीनों का और सालों का काम है, मगर यहाँ हम चूंकि लाइव हैं और सब तरह के लोग, सब तरह के जितने भी जानकार जो जानना चाहते हैं वो हमारे साथ हैं। तो बुद्ध के शब्द के एक शाब्दिक रूप में मायने हैं। बुद्ध को बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो एक ऐसी मूर्ति, एक ऐसी स्टैचू है जहां वो बैठे हुए हैं विपस्ना में और ध्यान में, स्वधन में मग्न है। स्वधन कर रहे हैं, अपने शरीर का अध्ययन कर रहे हैं, अपने मन का अध्ययन कर रहे हैं जी। बड़े व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुद्ध के शाब्दिक रूप से बड़े सिंपल से, बड़े आसान से माने हैं। बोधि, धम्म और जो उसको सिद्ध कर ले, यानी बोधि, धम्म और जो उसको सिद्ध कर ले, तीन शब्दों से मिलके जो शब्द बनता है वो बुद्ध बनता है। बोधि क्या है? बोधि है जो ह्यूमन का और नेचर का हाईएस्ट इंफॉर्मेशन है, हाईएस्ट नॉलेज है, हाईएस्ट ज्ञान है, उच्चतम ज्ञान है, उसको बोधि कहते हैं। धम्म क्या है? जो प्राकृतिक ज्ञान है, जो बिखरा हुआ है, उसको धम्म कहते हैं, नेचुरल। और सिद्ध कर दे यानी कि जो उसको सफल कर दे, यानी कि जो उस ज्ञान को सिद्ध कर दे, प्राप्त कर ले, तो उस नेचुरल ज्ञान, उच्चतम ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। ऐसे जो बुद्ध हैं वो अब तक जो बताए जाते हैं, जो स्वयं भगवान बुद्ध ने बताए, वो 27 बुद्ध हो चुके हैं और 28वें बुद्ध स्वयं सम्यक संबुद्ध, सम्यक संबोधि बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से, सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से, तो हजारों नाम उनके हैं बुद्ध। तो बुद्ध वो उपाधि है और वो एक उच्चतम ज्ञान का सम्मानजनक नाम है। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति PhD करके आया है तो उसको कहते हैं कि ये फिलोसफी है, फिलोसफी में इसने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, दर्शन शास्त्र में। या कोई बैचलर ऑफ आर्ट है जिसको BA बोलते हैं तो वो उसका ज्ञान का एक नाम है। कोई मास्टर ऑफ आर्ट्स है या मास्टर ऑफ साइंस है तो उसको MSc या MA बोलते हैं। कोई डॉक्टरेट किए हुए है तो उसको हम कहते हैं कि इसने एक डॉक्टरेट किया हुआ है, वो उसकी उपाधि है। ऐसे ही पुराने समय में उच्चतम ज्ञान की, खासतौर से मगध के अंदर, कपिलवस्तु के अंदर, उस एरिया के अंदर जो उच्चतम ज्ञान को दुनिया के अंदर वहां माना गया, उसको बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध उस उच्चतम ज्ञान का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है जो उच्चतम ज्ञान प्राप्त करता है।